दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इन कर बोल बाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। हमारा आंख से तो नींद उड़ गई बा, रात रात भर नींद नहीं खियावत। हाँ नींद का आवा, लड़का अस्पताल में पड़ल बा। हे ठाकुर जी, लड़का के रक्षा करी। कैसन खेलत खात कर रहे, न जाने के कर नजर लाग गई। का हो लड़का के वो साहिल के ना? एक बार आँख खुल्ले रहन। हे ठाकुर जी, लड़का के रक्षा करी। दुल्हन रात सपना में ठाकुर जी आए रहलन, कलन घर में मनहू साहिल बा, भगाओ ओकरा के नहीं तो सबके खा जाई। बुआजी रउआ, हम कोनो दुश्मन नहीं खी होकर, बाकी का करबू, कोई कोई के ग्रह नक्षत्र ऐसा नहीं होकला। अब देखा ना, जोन दिन घर में गोर रखलस वही दिन से अब सकुन होता। अमरकांत दुनिया छोड़ के चल गई, बच्चा मरे मरे के होए, अब और का चाहता रहूं, सब खत्म हो जाए। हमरा तक कुछ पूछा नहीं के भतार गई, अब बेटा जाई तबे समझबू का। और एक बात सुनो, पूर्व बुढ़निया के बाद गांठ बांध, जब तक कुकु लक्ष्मी के घर से ना निकाले मु तब तक कुछ ठीक ना हो। एक एक चिराग बाढ़न वो चल जाइए तो भोगी वाला के होना रही। मुझे गलती हो गई, मुझे उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था, मैं रात को गिरती और नहीं हॉस्पिटल जाने की नौबत आती। अपना का दोष नहीं दे, सब किस्मत का खेल बा। लेकिन सब लोग तो मुझे ही दोष दे रहे हैं ना। ऊपर से बुआ जी पता नहीं मुझे क्या क्या कह रही है। भागिन कुलक्षणी डायन, वो तो बुढ़िया पुरनिया है इस घर का, उनकर बात का यहाँ कोई बुरा ना माने। का करी, जवानी में ही विधवा हो गई बाबुआ जी, कोनो सुख ना देखेलना, यही खातिर तीखा बोली, बाकी मन में कोनो बात ना रखी। रवा उनकी बात का बुरा ना माने। चलो जल्दी करो, देर हो रहा है। अरे अरे काका, ई ले ला। ई का है? खिचड़ी श्रीकांत भैया के खाइला खातिर। तुम लोग का दिमाग खराब है का? अभी वो खिचड़ी खाएगा काहे? श्रीकांत के होश आ गेल बा ना? होश तो आ गेल बा, बाकी डॉक्टर अभी लिक्विड पर रख ले बा, दो तीन दिन लागी पूरा ठीक हो गए। मैं हम भी आपके साथ हॉस्पिटल चलेंगे। वहां जाके का कीजिएगा, इलाज कीजिएगा उसका, चुपचाप बैठिए घर में, देखभाल करेंगे उनकी। का देखभाल कीजिएगा, देखभाल तो किए कि मरवा दिए गोली। रितेश बेकार का बात मत कर। बेकार का बात कर रहे हैं? एक वो माथा फूट गया, रात के 2 बजे चले गए मरहम पट्टी करवा दी। करवा लिया ना मरहम पट्टी, मिल गई ना सबको शांति। अब माथा फूट गई तो हमें दुल्हन के का दोष बा? ना ना, दुल्हन के का दोष बा? दोस्त श्रीकांत के बा, रारू के प्रेम में खा गई लन गोली। सब चुप करो, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब रात बिरात किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा लोग? सवेरे तक मरने का इंतजार करेगा? नहीं इंतजार किए तो गए ना हवा खाने।
डॉक्टर ने कहा है बचेंगे नहीं। राग बिराद किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा लोग? सवेरे तक मरने का इंतजार करेगा? नहीं, इंतजार किया तो गए ना हवाखाने। डॉक्टर ने कहा है बचेंगे नहीं, और अगर बच भी गए तो अपाहिज हो जाएंगे, बिछौने में हगेंगे मूतेंगे। ललन, छुटकी तू भी जा। फालतू बात मत करो रितेश। हम तो है ही हैं फालतू, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई यही है कि श्रीकांत अब किसी काम का नहीं रहा। ना जाने हम कौन पाप कहने रही कि हमरा ये दिन देखे के पड़त। का भइल? हाँ? का भइल का? होई का। जो होए के रहा होई गई। दुश्मन के मनसा पूरा होई गई। पहले मामा जी और अब श्रीकांत। हम कह रहे हैं चुप करो। कुछ नहीं हुआ श्रीकांत के। ठीक है, बहुत जल्दी घर आ जाएगा। आप लोग के आंख में तो जैसे पर्दा पड़ गया है। सच्चाई सामने है, लेकिन फिर भी। अरे केकरा के का कही हम? हमरा तो ठाकुर जी सपना में कहलन कि घर में अपशकुन आवा है, ओकरा के भगावा लोग, ना तो सब नाश कर दी। तिथि जी रहुआ औरत है, ऐसन बात तू ना बोली रहुआ। श्रीकांत ब्याह के लेले बारन दुल्हन के, अरे घर की लक्ष्मी है। अरे लक्ष्मी, ये कैसन लक्ष्मी है? घर में गोर रखते ससुर के खा गए, अब हता बिछौना पकड़ ले लस। दीदी जी, रहुआ मतारी है। अगर रहुआ के पुतों के साथ ऐसा हो तो बोली का करी रहुआ? जहर देके मुआ देती और का करती। हमरा से इसम ना होई, औरत है, औरत की दुख जानी ला। अरे ब्याह कल के कोनो पाप नहीं के कल जे चार देख के मुआ दी। सर, एक अच्छी खबर ये है कि पेशेंट को होश आ गया, अब ब्रेन डेड होने का खतरा तो टल गया। लेकिन पैरालिसिस को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह पेशेंट के बैकबोन में चोट आई है उसका कुछ ना कुछ असर तो होना ही है। यू आर राइट सर, होप फॉर ए मिरेकल। कौन जानता है कि पेशेंट की किस्मत में क्या लिखा है। सर, ट्रीटमेंट के अप्रोच में कोई बदलाव की जरूरत? कोई खास नहीं, कल तक वॉच करते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। ओके सर। आइए। कैसा है श्रीकांत? पहले से बेहतर है, लेकिन। लेकिन क्या? वो ठीक तो हो जाएगा ना? बाबा, हम डॉक्टर हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर, अगर आप कहें तो दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कहीं भी जाने की जरूरत पड़े हम तैयार हैं। अगर विदेश से किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत हो तो वो भी कर सकते हैं। बाबा, अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात का आपको विश्वास दिलाते हैं कि इलाज बिल्कुल ठीक चल रहा है और मरीज रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। बाबा, जो कुछ हमारे हाथ में है उसमें तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब तो भगवान के हाथ में। भगवान पर तो हम भी बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन लगता है कि कभी कभी भगवान डॉक्टर श्रीकांत का ठीक होना बहुत जरूरी है। भैया,
भैया जी? बड़ा बड़ा का हलवा? सब ठीक है भाई जी। जीजा कहाँ? भीतरे हैं। चलो। वो कुत्तन भैया लौट के आ गए ले। का? ऐसे किसे का एक चला आया? बुलाओ उसको। ये ससुर बहू आ गया है क्या? अरे जीजा गोड़ला तनी। खुश रहो। का हुआ? कैसे भागा है? अरे वह मन नहीं लग रहा था तो मतलब मन ना लगा चला। प्रणाम मामा जी। अरे दीदी गोड़ला तनी। तनी सीधा खड़ा हो जा, पहले नजर गुजर उतारे था। तकलीफ तो ना रहे वहाँ? अरे तकलीफ का? तकलीफ का वही खेत जोते ना गए रहे हैं, बैठ के मुर्गा तोड़त हुई। अरे जाई रवा का बूझी, लड़का घर से बेघर हो गई, हमार तो करेजा फट गई। हाँ भाई खातिर करेजा फटबे करी। काहे फाटो ना, कोनो जरूरत पड़ी तो ये खड़ा हुई सा, और कोई ना आवेला। कुछ बोलता नहीं का, आपका मुँह पे तालो लगा ली। ताला ना लगा ली तो और का करी, गोली लागल तो कोनो भाई भतीजा जखू खातिर आयल का? कोनो लाइक छोड़ ले बारू आवे खातिर जाइहन संग? तो हम ही मना कही नहीं है का, अब बोलावा सबके और लुटा दी सब, सब नोचे खसोटे वाला बा। हरा से तो बतियावले बेकार बा। हाँ हाँ हमरा से तो बातें कहल बेकार बा, हम तो बेकार ही है ना। हम बेकार ना होइत तो रउवा से ब्याह करके घर में आयत, हमार तो जिंदगी के नाश हो गयी। दीदी मतलब तेहू बोले लागल तो कंट्रोल ना रहे लानू। हाँ चुप कर तू, तोरा का बुझाई? और तू यहाँ खड़ा खड़ा का करता रू? जा खाए पिए के इंतजाम करा। प्यास के कारण लड़का सूख के लकड़ी हो गई बा। अब चला कांटा भइल बन, चला चला अंदर चला, मुँह फ्रेश होली आवा। खाला खाला, अरे खाला बबुआ देखा कितना दुबला गेल बाड़ा, खा खा। अरे कहाँ, मामा तो चिकना गए हैं, खूब खसी वसी खाए हैं, और माई को लागत रहे कि प्राण जाता। हाँ प्राण जाओ ना, एक महीना से लड़का बाहर बहु रहा था। अरे दीदी कोनो तकलीफ ना रहे, माने मुखिया जी खूब जबरदस्त इंतजाम किए थे, ख्याल रखे हैं, मुर्गा से भोरे भोरे मंजन करते थे। अरे ख्याल ना रखिए तो का करिए, उनकर बेटी के ब्याह अपने गांव में नू। हाँ। अरे मर्द छोड़ देले रही तो हम ही पंचायत खाई नहीं, तब जाके सब ठीक भइल। ए माई तू पंचायत के चुनाव में काहे ना खड़ा भइले, अब तो औरत सब खाती सीट भी रिजर्व हो गइल बा। अरे चुप कर, हम मुखिया के चुनाव लड़ब? अरे खड़ा हो खब तो एमपी एमएलए के चुनाव ना लड़ब? हां और दीदी ते जीतियो जइबे, एक तो तोरा डर के मारे कोई ओपोजिशन वाला खड़ा होगा नहीं, सब भाग जाएगा। अगर ना हुई नू तो फिर हम बानी ना, चुनाव के पहले तुझे कैंडिडेट को ऊपर भेज देंगे पार्सल। इतना आसान नहीं है जितना तू समझता रहा, आज कल लोग बिना गोली बंदूक के इलेक्शन में खड़ा होता है। तो हमको अपने जैसा झूठ समझे होगा का? पूरा गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा एकदम। ज्यादा टींग मत हाको, इनकड़ा के नारंगी खिलाई नारंगी। अच्छा अच्छा गए थे ना डिंग हाकने, गोली खा के आ गए हैं, फुट अच्छा हुआ बच गए ना, तो ऊपर चल जाते। अपने आपको बहुत मजबूत समझता है रे। तुम सच है क्या? साला चुप रहेगा कि तुमको मार दे। एक मिनट मार दे, 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 मार घर में आके बात कर रहे हैं, नाम हंसा दिया। एक महीना बाहर भटक के आ गए तो भी मर्द बनता है, घर में आके मर्द ही करता है। हम होते ना दीदी तो विजय कंतुआ के वही रात में छठी का दूध याद दिला देते। हाँ ठीक बात, ठीक बात। हाँ। लेटेस्ट न्यूज है भाई, 5 बजे भोरे एंटी करप्शन का छापा पड़ा है एसपी के बंगला पर। वो सारे किस्मतें है, कल तक ऊ छापा मारता था और आज उसी घर पे छापा पड़ गया। कहो ओकर बेटवा का क्या हुआ? अरे वो नहीं मिला, रारू के तो रोरो के हालत खराब। बड़ा थैंकलेस जॉब है साला, पुलिस का नौकरी भी। ऐसा मत कहिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिएगा तो सब बढ़िया है। अब गरीब गुरबा को लूटिएगा, निर्दोष को सताइएगा तो भोगिएगा नहीं। वह साला दूध का धुला नहीं था, बहुत माल छापा था। तो क्या हो जाएगा, 4 महीना भागले फिरेगा, अब फिर सब डील हो करके आज सब ठीक हो जाएगा। ये बात बताइए, आज तक कोनो बड़का नेता चाहे अफसर को सजा मिला है? बताइए। यो बात सही है, इस देश में साला जो होना है गरीब गुरबा के साथे होना है। अरे आप ही लोग बताइए, कभी अमीर लोग ये बड़का बड़का नेता पर हाथ रख सका है? एक बात तो है भाई, जो गिंजन होना था सो हो गया। ए भैया कलयुग का एक के नियम है, चाहे जो गिंजन होना है हो जाए, बस माल अंदर कर लो। आज का भगवान नगर नगर नगर।
भैया जी क्या खबर है? खबर तो एकदम पक्का है, बबन का छोटका साला पुतन वहां वापस आ गया। अच्छा खबर सुना है, उस साले के तो हम बहुत दिन से खोज रहे हैं। बोलिए तो निशाना पल्ले साले के का। उसका शिकार तो हम खुद अपना हाथ से करेंगे, हाका लगा के बीच चौराह पर। एक और समाचार सुन लीजिए, एसपी के घर एंटी करप्शन वालों का छापा पड़ा है आज ये भोरे। क्या बात कर रहे हो? आरिश वारंट भी निकाल दिया है। एसपी है कहाँ? वो तो फरार है साला, पुलिस उसका ढूंढ रही है। सर ये तो अलग ही कांड है, पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया। मैं कहा बाबा के फोन लगा।